आई तुम्हारी माँ बुलाओ से। आज हम सब फैसला किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। बात सुनो, ऐसे लोगों को ना ये महल्ला बर्दाश्त नहीं करेगा। अबे बुलाओ अपनी माँ को, कहाँ है? और खड़े खड़े मुँह क्या देख रही है? जाके अपनी माँ को बुला के ले गया। अरे भाई इसकी माँ से बात करने का क्या फायदा? सारी फसाद की जड़ तो ये है, इसने पूरा मोहल्ला गंदा किया हुआ, बद किरदार कहेगी। अरे बस खबरदार, मेरी माँ को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी इबादत में मसरूफ है, उनको परेशान मत करें। लो भाइयों लो, माँ इनकी इबादत कर रही है। बात सुनो, दूसरी बार कह रहे हैं ये तुम्हें, ये घर ये मोहल्ला छोड़ दो। और मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ कि हम ये मोहल्ला और ये घर नहीं छोड़कर जाएंगे। आप लोग अपने घर जाइए, अपने अपने घर संभालिए, मेरे सफर को और मत आजमाइए, जाइए। तुम जानती नहीं हो हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जानती हूँ आप लोग क्या कर सकते हैं। चंद सिक्कों के खातिर अपने ईमान को बेच सकते हैं, अपनी इज्जत को बेच सकते हैं, लोगों की किरदार को उछाल सकते हैं। अपने गिरबान में झांक कर देखें, ना कि किसी और लड़की के किरदार पर उंगली उठाएं। वाह बीबी वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। अरे निकालो इसे, निकालो निकालो निकालो।